हेलो एवरीवन. सो इस लेक्चर में हम एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें देयर विल बी वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स जहां सैचुरेशन की बात हो रही हो. तो एक इलेक्ट्रोड में इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सिंपल सॉल्यूशन लाइक कॉपर सल्फेट जैसे सॉल्यूशंस की हमको आदत है, देयर विल बी अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है? और वो सॉल्ट सॉल्यूशन यूजुअली सैचुरेटेड होगा. तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी पहले जेई एडवांस में पूछा गया था, जिन दिनों आई आई टी जेई का एग्ज़ाम जो है वो सब्जेक्टिव हुआ करता था. तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द के एस पी ऑफ ए जी सी एल इफ़ दिस इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड जो थोड़ा नया लग रहा है हमको इज 0.22 एंड दिस इज 0.8, ठीक है? तो ये हमको फाइंड करना है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड का सॉरी के एस पी फाइंड करना है इसका, अगर हमको ये इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे है. तो पहली चीज़, बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मैं इस नई चीज़ को एड्रेस कर देता हूँ कि ये जो हमको दिख रहा है इस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ. तो पहली बात, इस इलेक्ट्रोड को हम ऐसे समझते हैं कि जो भी चीज़ सेंटर में दे रखी है, ऐसे ए जी सी एल, ठीक है? ए जी सी एल गिव्स द थिंग्स ऑन द एक्सट्रीम, ए जी प्लस सी एल माइनस, ठीक है? तो ये हमको इस इलेक्ट्रोड को हम ऐसे देख लेंगे, ए जी सी एल गिव्स ए जी प्लस सी एल माइनस. तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं, ए जी यहाँ भी है यहाँ भी है, सी एल इधर है सी एल इधर है, तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा एक. तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन होगी. तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.22 वोल्ट, वो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है? तो ये मान लेते हैं. एंड ये तो हमको पता ही है ए जी ए जी प्लस, राइट? तो इसका भी हम रिडक्शन रिएक्शन लिख लेते हैं. तो इसका रिडक्शन रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, ए जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ए जी, ठीक है? ये लिख लेते हैं. और ये कितना है, ये 0.8 वोल्ट है, ठीक है? दिस इज 0.8 वोल्ट, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं दिस इज 0.8 वोल्ट. सो दीज आर द टू रिएक्शंस, ठीक है? दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ ए जी प्लस, दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ ए जी सी एल. नाउ इफ यू थिंक ऑफ दिस, लेट्स से दिस इज रिएक्शन वन एंड दिस इज रिएक्शन टू, ठीक है? इफ आई डू वन माइनस टू, जस्ट ट्राई टू इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ आई डू वन माइनस टू, ठीक है? मैं इसको भी एक काम करता हूँ, ऐसे येलो में लिख देता हूँ सो दैट इट्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड क्या होगा. तो रिएक्शन वन माइनस टू में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, राइट? लेफ्ट साइड में वील हैव ए जी सी एल, दैट्स ऑल. ए जी प्लस माइनस है तो राइट साइड में चला जाएगा, ए जी माइनस ए जी इज गॉन, और ये तो प्लस है ऊपर वाली रिएक्शन में, तो प्लस सी एल माइनस. सो दिस इज द रिएक्शन दैट विल गेट. सो थिंक ऑफ दिस एज आर सेल रिएक्शन, ठीक है? तो सेल रिएक्शन हमको कैसे मिल रहा है, जब हम रिएक्शन वन माइनस रिएक्शन टू कर रहे हैं. और थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ठीक है? डोंट थिंक ऑफ इट एज वन माइनस टू, थिंक ऑफ दिस एज वन प्लस माइनस टू. मतलब रिएक्शन वन होनी चाहिए एंड रिएक्शन टू का रिवर्स होना चाहिए. मतलब इसका हमको इसका जो उल्टा रिएक्शन कराना है, मतलब इसमें हमारा ऑक्सीडेशन होना चाहिए और इसमें एज इट इज रिडक्शन होना चाहिए. सो अगर रिएक्शन वन एज इट इज यूज कर रहे हैं हम, यहाँ रिडक्शन रिएक्शन वन हमारा एज रिडक्शन रिएक्शन यूज कर रहे हैं, तो ये कैथोड हो गया, ठीक है? दिस इज कैथोड. और रिएक्शन टू जो है, जो इसका फ्लिप रिएक्शन है विच इज माइनस टू, दैट शुड बी एनोड, ठीक है? सो ये रिएक्शन हो रही है एंड दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन. सो व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सच अ सेल? नाउ सी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू से दैट इस रिएक्शन में द एम इज, इस क्वेश्चन में कि ए जी सी एल का के एस पी फाइंड करना है, तो वी शुड अज्यूम दैट दिस, इन ऑर्डर टू गेट के एस पी वी शुड अज्यूम दैट दिस इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, बिकॉज तभी हमको आयनिक प्रोडक्ट है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मिलता है. सो लेट्स अज्यूम दिस इज सैचुरेटेड. इफ दिस इज सैचुरेटेड दैट मीन्स दिस हैज बीन अचीव्ड, ठीक है? उसका मतलब ये चीज ट्रू है, इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश. तो उसका मतलब अगर ये सैचुरेटेड है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, और किसी भी सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज जीरो, दैट इज ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.059, ठीक है? लेट मी करेक्ट दिस, माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू, ठीक है? नाउ सिंस दिस इज सैचुरेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस दिस इज सैचुरेटेड, तो इसका इक्विलिब्रियम आ गया. अब ई नॉट सेल देख लेते हैं. ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस एनोड. अब कैथोड हमने किसको डेजिग्नेट किया, इसको, तो ई नॉट सेल इज 0.22 कैथोड
माइनस एनोड, एनोड का रिडक्शन, ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है ना, बिकॉज रिडक्शन रिएक्शन हो कितना है 0.8, सो दैट इज दिस माइनस 0.059. देखो इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो 1. लॉग क्यू, सेल रिएक्शन का क्यू क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ए जी प्लस कॉन्सेंट्रेशन सी एल माइनस डिवाइडेड बाय 1, बिकॉज दिस इज अ सॉलिड. तो इसको अगर हम देखें एट सैचुरेशन वो क्या हो जाएगा, के एस पी, तो उसको एज इट इज लिख दो. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, 0.22 माइनस 0.8, 0.22 माइनस 0.8 इज आई थिंक दैट इज माइनस 0.58, इधर आ जाएगा तो प्लस 0.58 इज इक्वल टू माइनस 0.059 लॉग क्यू. सो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, दिस इंप्लाइज क्यू इज 0.58 माइनस डिवाइड बाय 0.059. ठीक है, दिस इज लॉग क्यू, सॉरी दिस इज लॉग क्यू. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है मैं काफ़ी अप्रॉक्सीमेट कर लेता हूँ, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली माइनस 10. सो दिस इम्प्लाइज क्यू विच इज के एस पी. ठीक है, एक्चुअली मेरे को यहीं से एक सारा के एस पी लिखना चाहिए था, क्योंकि एक बार मैंने वहाँ बता दिया क्यू इज के एस पी, तो ऐसे लिखना नहीं चाहिए था, तो यहाँ लिख देते दिस इज के एस पी. के एस पी, दिस इम्प्लाइज के एस पी इज अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 10. एक्चुअल में 10 टू द पावर माइनस 10 नहीं है, डिफरेंट, एक्चुअल में इट इज 10 टू द पावर माइनस 9 पॉइंट समथिंग. ठीक है, दिस इज समथिंग इन टू 10 टू द पावर माइनस 9. सो 10 टू द पावर माइनस 10 से स्लाइटली बड़ा है आंसर, मैंने अप्रॉक्सीमेशन कर लिया, बट वी कैन जस्ट से जस्ट फॉर अप्रॉक्सीमेशन से के एस पी इज 10 टू द पावर माइनस 10. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप. सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इस साल 2019 में जेईई मेंस में पूछा गया था. सो दिस क्वेश्चन में ये इट्स बेस्ड ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट जो हमने पिछला एग्जांपल देखा ऑफ ये जो नया टाइप का इलेक्ट्रोड है इस पे. तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. तो एक सेल दे रखा है इसमें डायरेक्टली, हमें कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, जिसमें हाइड्रोजन सीम्स टू बी एट एनोड एंड सिल्वर का ये AgCl वाला इलेक्ट्रोड सीम्स टू बी एट कैथोड. इस सेल का पोटेंशियल दे रखा है विच इज EMF 0.92 वोल्ट इज द EMF ऑफ दिस. और ये जो HCl सॉल्यूशन है इसकी मोलालिटी या मोलारिटी, बिकॉज डाइल्यूट है एक ही होता है, 10^-6 मोलर है, वो भी हमको दे रखा है. तो हमने इस बार इसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है इस इलेक्ट्रोड का. ठीक है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन हमको दे रखा है. तो इसमें रिएक्शंस देख लेते हैं कि इस सेल में क्या क्या रिएक्शन हो रही होगी. तो पहले अगर मैं इसको देख लूँ कि कैथोड पे क्या हो रहा होगा, लाइक कैथोड पे अगर हम देखें कि ये इलेक्ट्रोड है, AgCl gives AgNCl. सो कैथोड पे वी हैव दिस AgCl gives Ag प्लस Cl माइनस. सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है. सो लेट्स राइट लाइक दिस. सो दिस इज द रिएक्शन दैट अकर्स एट कैथोड. ठीक है, ये कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही है. और इसका पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है वो नहीं पता है, वही हमें बताना है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज मान लेते हैं x. एनोड पे अगर मैं बात करूँ कि एनोड पे अगर हम देखें क्या हो रहा है, सो एनोड पे क्लियरली वी कैन सी दैट हाइड्रोजन जो है इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन गेटिंग ऑक्सीडाइज टू एच प्लस. सो आई कैन से एच टू गेट्स ऑक्सीडाइज टू एच प्लस. ठीक है, और ये तो एच प्लस का भी अपना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा और एच टू जो है वो गैस है. तो दिस इज एनोड एंड इसका जो पोटेंशियल है, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है, जीरो. नाउ लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस. ये जो पोटेंशियल मैंने जीरो लिखा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ऑल्दो हाइड्रोजन के केस में फर्क नहीं पड़ता है, बट लेट्स बी वेरी क्लियर, दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिकॉज एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है. तो इफ आई ट्राई टू बैलेंस दिस रिएक्शन, यहाँ टू आ जाएगा एंड टू इलेक्ट्रॉन्स. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज रिएक्शन एट कैथोड एंड रिएक्शन एट एनोड. तो सेल का जो पोटेंशियल है वो 0.92 है. सो आई कैन से दैट आई कैन बेस्ड ऑन दिस आई कैन से EMF ऑफ द सेल इज 0.92, राइट, विच इज इफेक्टिवली ई नॉट सेल स्टैंडर्ड EMF माइनस 0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉग क्यू. एक्चुअली 0.059 की जगह हम 0.06 अज्यूम कर सकते हैं, मतलब हमेशा कर सकते हैं अज्यूम, पर इस बात तो हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में ही बता रखा है, उसको अज्यूम कर लो. तो दिस इज समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज वी कैन से EMF ऑफ द सेल इज दिस, इट्स E 0.92 इज E नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन लॉग क्यू.
लेकिन जब सेल रिएक्शन को विजुअलाइज करना मुश्किल है कि ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक ऑफ इट व्हाट वुड हैपन, इजियर थिंग टू डू इज यू कैन विजुअलाइज कैथोड एंड एनोड सेपरेटली. यू कैन से ई नॉट सेल इज इफेक्टिवली ई नॉट कैथोड, राइट, दैट इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे कह सकते हैं. Right, you can say something like this. This is E naught cell is E naught cathode minus E naught anode. Or the other way to look at this is actually in a much better way. What I could say is actually isko main hata deta hu. Let me change the color. Isko main hata deta hu. And isko hum ek different tarike se dekh lete hain. Hum isko aise keh dete hain ki EMF of the cell jo hai, instead of saying ki it is E naught cell minus 0.059, I can say EMF of the cell 0.92 is simply reduction potential of cathode non-standard minus reduction potential of anode non-standard. ठीक है, तो हमने अलग से देख लिया reduction potential of cathode and reduction potential of anode. तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो overall reaction में log Q या individually. सो अब इसको देख लेते हैं, this reduction potential of cathode. ठीक है, reduction potential है because formula हमारा reduction का, तो मैं लिख देता हूँ. This is equal to cathode पे तो ये इसका reduction potential standard कितना है वो तो नहीं पता, वो तो x है, which is E naught, right, minus 0.059 or 0.06 by number of electron, वो कितना है, 1, log Q, Q क्या है, concentration of product by reactant, उसमें silver is metal solid, AgCl is solid, सिर्फ ये Cl minus, Cl minus कहां से आएगा, HCl से आएगा, right, that is where Cl minus will come from, so HCl is 10 raised to power minus 6 molar, so Cl minus is 10 raised to power minus 6, तो ये आ गया 10 raised to power minus 6, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, log of 10 raised to power minus 6 is simply minus 6, तो ये पूरी चीज minus 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, so this is x plus 0.36, so this is the reduction potential of cathode. So now if I look at anode, अगर मैं anode की बात करूं, I can say reduction potential of anode is standard reduction potential of anode, hydrogen electrode is 0, minus 0.06 by 2 electrons are involved, log Q. Now, this we have to be very careful. See, log is, sorry, Q here is concentration of H plus square by H2. But this is oxidation reaction. Humko reduction ke liye dekhna hai, toh flip ho jayega. Toh main likh deta hun. This would be concentration of H2 by concentration of H plus square. Uska reason ye hai, kyunki hum is reaction ka hum potential nahi dekh rahe, hum iski reduction reaction ka dekh rahe, to isko flip karke, so that is minus 0.06 by 2 log of H2 ka pressure to 1 bar hai, to 1 aa gaya, and this is 10 raised to power minus 6 square, 10 raised to power minus 12, to upar jaake kya ho jayega, 10 raised to power 12 and log of 10 raised to power 12 is 12, so 12 into this 6 into this, that is minus 0.36, तो पूरी चीज आ गई minus 0.36 volt. So you can see that EMF, sorry, reduction potential of cathode is x plus 0.36, reduction potential of anode is minus 0.6, so E of cathode minus anode, which is 0.92, is x plus 0.36 minus 0.36, so 0.72 plus 0.72 उधर जाएगा, this implies x is 0.92 minus 0.72, that is 0.2. So that means the correct answer here seems to be 0.2 volt. I hope this is clear. How we solve this question? तो इसमें confused नहीं होना है कि मैंने ये ऐसे इसको flip क्यों कर दिया? उसका reason ये था because जो हमने यहाँ reaction लिखी है, ये anode की oxidation reaction है, लेकिन हमको जो potential find करना, जो हमारा formula है, that is E cathode minus anode. आप oxidation भी ले सकते थे, you could have considered this as oxidation, इसको आप फिर simply H plus square by H2 लिखते, but then remember the formula is reduction potential of cathode plus oxidation potential of anode, तो ये plus हो जाता, तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ plus 12 की जगह minus 12 आता, लेकिन यहाँ minus की जगह plus आता, तो answer आपका same आएगा. So value of X is 0.2. So the potential standard reduction potential of this electrode is 0.2. I hope this is clear. So let's look at another question, similar type question dekh lete based on the two questions that we have seen. So another question is this: standard reduction potential of Ag plus electrode de rakha 0.8 volts hai. KSP of AGI दे रखा है, जैसे पहले क्वेश्चन में पूछ रखा था इस बार दे रखा है, और हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसका फाइंड करना है. ये अगर क्लियर नहीं है मैं लिख देता हूँ, व्हाट दिस इफेक्टिवली इज दिस I माइनस AGI
जी, तो आई वुड सजेस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, बिकॉज यू हैव सीन इनफ क्वेश्चंस. अभी तक दो क्वेश्चन देख लिए विच यूज दिस कॉन्सेप्ट, सो यू हैव इनफ इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व दिस. ओनली थिंग इज प्रैक्टिस नहीं है, सो ट्राई सॉल्विंग दिस ऑन योर ओन एंड वंस यू आर स्टक एट अ स्टेप देन लुक एट दिस सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो लेट मी ट्राई दिस. ठीक है, तो आप लोग पॉज करो एंड मैं ट्राई करता हूँ इसको एंड देन यू सी द सोल्यूशन. तो इसमें हमारे को दो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, ठीक है, एक तो सिल्वर प्लस है, तो मैं लिख देता हूँ. पहला हमको दे रखा है सिल्वर, सो ए जी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए जी, ये दे रखा है. ठीक है, ये है 0.8 वोल्ट, स्टैंडर्ड की बात चल रही है. दूसरा दे रखा है ये ए जी आई गिव्स ए जी प्लस आई माइनस. ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें भी रिडक्शन है इलेक्ट्रॉन, इसका नहीं पता, इसको एक्स मान लेते हैं. हमको के एस पी चाहिए, अगर हमको के एस पी चाहिए तो हमको ये, हम चाहते हैं कि सेल रिएक्शन ना ये हो, कि सेल रिएक्शन कुछ ऐसी हो, सेल रिएक्शन हो जाए ए जी प्लस प्लस आई माइनस. बिकॉज जब सेल रिएक्शन ये होगी ना, तो देखो ई एम एफ ऑफ द सेल कितना हो जाएगा, ई एम एफ ऑफ द सेल हो जाएगा जीरो, विच वुड बी ई नॉट सेल माइनस 0.06, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, एक लॉग क्यू, और लॉग क्यू क्या हो जाएगा, लॉग क्यू हो जाएगा इसका क्यू, विच बिकॉज सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने अज्यूम करना है के एस पी के लिए, तो विल से दिस इज के एस पी. ठीक है, दे भी रखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए जी आई, सो दिस इज व्हाट विल गिव अस के एस पी. तो इसके लिए व्हाट वी नीड इज ई नॉट सेल. तो अगर अब हमको ये रिएक्शन चाहिए, इफ यू वॉन्ट दिस टू बी द सेल रिएक्शन, तो हमने ऐसा सोचना है, तो ये सेल रिएक्शन तभी होगा जब हम 2 माइनस 1 करेंगे. दिस इज रिएक्शन 2 माइनस रिएक्शन 1. ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ 2 माइनस रिडक्शन रिएक्शन ऑफ 1, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 2 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 1. और ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ होता है ना ई नॉट कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. तो मतलब ये कैथोड है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हो गया और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो गया. तो इससे हमको मिल गया ई नॉट सेल कितना है, ई नॉट सेल इज एक्स माइनस, राइट, इसका एक्स है जो हमको नहीं पता, जो फाइंड करना है, माइनस 0.8. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. एंड दिस इज माइनस 0.06 लॉग के एस पी, लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 16, वॉट इज दैट, लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 16 इज माइनस 16, सो ये और ये गया, दिस इज जीरो. तो आई कैन से दैट, इसको अगर मैं सिंपली सॉल्व करूं, जीरो इज एक्स माइनस 0.8, 6 इंटू 16 इज 96 प्लस 0.96. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज प्लस 0.96, ये हो जाएगा प्लस 1.6. सो एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 0.16. तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट इज माइनस ऑफ 0.16 वोल्ट. सो आई होप आप लोग भी इसी आंसर तक आए. अगर नहीं आए तो यू कैन सी दिस, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन. So these were three types of questions that we discussed based on this new type of an electrode. So try going through this. Usually इस पे question नहीं आते थे, बहुत पहले आते थे ऐसे question, लेकिन recently JEE mains में इस पे question पूछा गया. So that means the chances of such question being asked in subsequent years have increased again. So go through these questions carefully. So until my next lecture, goodbye.